मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश भी CDS कंपनी पर बेअसर साबित हो रहे हैं। कंपनी की लगातार लापरवाही के चलते शामपुर में जाम के हालात बने हुए हैं। उबड़ खाबड़ बेतरतीब सड़कों पर ट्राले, ट्रक, बस, डंपर, टेक्टर ट्राली, मेटाडोर सहित अन्य वाहन बेबस हो गए हैं। ट्रैफिक के जाम में एम्बुलेंस सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के वाहन भी फंस जाते हैं। यात्री वाहनों में बैठे यात्री घंटों तक जाम खुलने की प्रतीक्षा करते हैं। स्थानीय प्रशासन व्यवस्था बनाने में जुटा रहता है, लेकिन CDS कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही और असहयोग के कारण शामपुर ट्रैफिक जाम का अड्डा बन चुका है। वाहन चालकों सहित आम नागरिकों, दुकानदारों, ग्रामीणों को हर दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। CDS कंपनी के द्वारा हाईवे के दोनों तरफ बनाई गई नालियां भी गुणवत्ताहीन बताई जा रही हैं। आधी अधूरी नालियों के कारण सैकड़ों नागरिकों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। CDS कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आदर्श न्यूज के लिए शामपुर से रवि पुष्पत की रिपोर्ट। अरे ये रोड की समस्या है, ये रोड में ये रोड वाला 3 साल से पागल बना दिया, 1 किलोमीटर तक का पानी ला के शहर में उतर दिया। रोड पे दो दो फीट पानी भर जाता, नाली पूरी चौक है। तो अभी तक इनने डामर नहीं किया, डामर कराई नहीं और मट्टी पे पट्टे लगा के नहीं, और फॉर्मेलिटी पूरी करके भगने की जुगाड़ में है। तो इनसे शिकायत नहीं की किसी से? नहीं, शिकायत अभी वो अधिकारी आए थे उनसे की, कहना बोलो ये तो हम ऐसे ही डाल रहे हैं, वो डामर होगा, जबकि करना मरना कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं कि एक बार और डामर हो? हाँ, और पट्टे लगा दिए, पट्टे लगने के बाद कोई डामर नहीं होता। और नाली 2 फीट ऊंची बनाई है, ना गाड़ी चल पा रही, ना कुछ हो पा रही है, जगह जगह मट्टी के ढेर लग रही है।